Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English chapter of class 10 and we are reading from the book Kumar Bharti. Students, ye hai chapter number 2.6 aur chapter ka naam hai Science and Spirituality. Aur ye liya gaya hai ek book se jo ke likha hai Srijan Pal Singh, What Can I Give? Namak book unhone likha hai. Aur ye Srijan Pal Singh jo hai ye Dr. एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत ही क्लोज रहे हैं, तो इस बुक में हमें अब्दुल कलाम के बारे में कुछ वो बता रहे हैं, उनके बारे में, उनके रहन सहन, उसके थॉट, उनके थॉट्स और थिंकिंग के बारे में. तो आइए देखते हैं हम कि हमें क्या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में. बट उससे पहले स्टूडेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए. तो चलिए अब देखते हैं ऑथर के बारे में. सृजन पाल सिंह जो है ये एक इंडियन ऑथर, पब्लिक स्पीकर और एक सोशल एंटरप्रेन्योर है. ये बॉर्न हुए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में और वहीं पर ये पले बड़े हैं, वहीं पर एजुकेशन किए हैं, अपने बेसिक एजुकेशन. फिर सृजन पाल सिंह एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है जो इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से किया है और फिर इन्होंने मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी किया है IIM अहमदाबाद से. और ये बहुत क्लोजली काम किया है इन्होंने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ. और इन्होंने सृजन पाल सिंह ने अब्दुल कलाम को अपना गुरु, अपना टीचर माना है और उनके जो थॉट्स, उनके जो साथ रहकर उन्होंने सीखा है. और अब यहाँ पर इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने क्लोजली अब्दुल कलाम को कैसे देखा, उनके बारे में क्या जाना है, उनके थिंकिंग और थॉट्स कैसे थे अब्दुल कलाम के, वो हम आज देखेंगे इस चैप्टर साइंस और स्पिरिचुअलिटी में. तो चलिए देखते हैं हमें क्या बताते हैं. कहते हैं, वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन दैट बिलीव्स इन साइंस एंड द अदर दैट बिलीव्स इन रिलीजन. डॉक्टर कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दिस इज इनडिस्प्यूटेबल, बट ही आल्सो कन्विंस्ड दैट फैक्ट एंड फेथ कैन टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लैनेट. ही वंस टोल्ड मी, साइंस एंड फेथ मस्ट को एग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड. वो कहते हैं, सृजन पाल सिंह कहते हैं कि हमेशा हम देखते हैं कि दुनिया में दो ग्रुप के पीपल होते हैं, एक जो साइंस को मानते हैं, साइंस में बिलीव करते हैं, और एक जो दूसरे होते हैं वो रिलीजन को बिलीव करते हैं. पर डॉक्टर कलाम जो ग्रेट साइंटिस्ट है, इनडिस्प्यूटेबल है, इनमें कोई डिफरेंस, कोई इस तरीके का डिफरेंस ही नहीं था इनके सोच में. ये दोनों को लेकर चलते थे, फैक्ट और फेथ, साइंस और रिलीजन को. वो कहते हैं अगर हम दोनों चीज साथ में लेकर चले तो एक बेटर प्लैनेट बना सकते हैं, एक बेटर ग्रह बना सकते हैं यहाँ पर. और उन्होंने एक बार इनसे कहा था कि साइंस एंड फेथ दोनों अगर साथ में चला तो वो ह्यूमन के लिए अच्छा होगा. अगर ये दोनों थॉट्स और फीलिंग्स अगर ह्यूमन के अंदर है तो ये उनके लिए अच्छा काम करेगा. तो कहते हैं, साइंस प्रोवाइड्स फोकस एंड फोकस हेल्प अस टू सॉल्व क्वेश्चंस, डिस्कवर द ट्रुथ एंड कंसीव इन्वेंशंस. एंड फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव हेल्प अस टू सी आवर क्रिएशंस एंड डिस्कवरीज गो ऑन टू इम्पैक्ट द कॉम्बिनेशन वाइटल फॉर सक्सेस ऑफ सोसाइटीज. वो कहते हैं, साइंस हमें फोकस करने को हेल्प करता है, क्वेश्चन सॉल्व करने को हेल्प करता है, हमें डिस्कवर करने देता है ट्रूथ को, नए नए इन्वेंशंस करने में हेल्प करता है. बट जो हमारा फेथ होता है, जो रिलीजन में, वो एक पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है, एक गोल हमें दिखाता है कि कैसे ये सब क्रिएट हुआ है, कैसे हम ये डिस्कवर कर रहे हैं, कैसे मिला है हमें. और वो एक सक्सेस होता है सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं इस दोनों फोकस और फेथ को साथ में लेकर. तो कहते हैं, साइंस एक्सेलरेट्स प्रोग्रेस एंड फेथ कर्ब्स इन इट विद इन रीजनेबल लिमिटेशंस. साइंस हमें प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाता है, हमें बढ़ाता है, हमें डेवलप करता है. और जबकि हमारा फेथ होता है, वो हमें एक लिमिटेशन से अंदर भी रखता है, वरना एक लिमिटेशन क्रॉस करोगे तो आपके लिए वो डेंजर भी हो सकता है. तो फोकस एंड फेथ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम. तो कहते हैं, इफ द टू फंक्शन ट्रू टू देयर रोल्स, दे विल वर्क टूगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाई मल्टीपल फेथ्स. वो कहते हैं, अगर ये दोनों फंक्शन बहुत ही ट्रू तरीके से अपना अपना रोल प्ले करे, अगर इंसान फेथ और फोकस दोनों सही तरीके से करे, तो बहुत बेटर हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत फायदेमंद हो सकता है.
और वो कहते हैं कि डॉक्टर कलाम के खुद के लाइफ बहुत सारे मल्टीपल फेज थे, बहुत सारे बिलीव्स थे उनके अंदर। तो हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है आज अभी डॉक्टर कलाम के बारे में, और क्या कहते हैं सृजन पाल सिंह, अब हम आगे देखते हैं। वो बताते हैं हिज फादर बोटमैन आल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स वर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन्स, वन वाज अ हिंदू एंड द अदर वाज क्रिश्चियन। पक्षी लक्ष्मणा शास्त्रीगाल वाज द हेड प्रिस्ट ऑफ द फेमस रामेश्वर टेम्पल एंड अ वैदिक स्कॉलर, एंड रेवरेंड फादर बोदल हैड बिल्ट द फर्स्ट चर्च ऑन रामेश्वरम आइलैंड। Dr. Kalam recalled how all three of them, in a unique attire of the religion, used to sit and discuss the community's problem and find solutions. तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि अब्दुल कलाम के फादर एक बोटमैन थे और वो एक इमाम भी सर्व किया था, इमाम के तौर पे भी सर्व करते थे एक लोकल मॉस्क में, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे अब्दुल कलाम के और इनके उनके फादर के, वो थे एक हिंदू और एक क्रिश्चियन। हिंदू जो थे उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री गल, जो कि एक प्रीस्ट थे रामेश्वरा टेम्पल के और एक वैदिक स्कॉलर थे, और एक और जो रेवरेंड फादर है वो एक फर्स्ट चर्च बनाया था इनके रामेश्वरा आइलैंड में। तो कहते हैं जब भी मैं रिकॉल करता हूँ अब्दुल कलाम, वो कहते हैं कि मैं एकदम अजीब यूनिक अटायर में हम तीनों अलग अलग रिलीजन के बैठकर डिस्कस करते थे कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के बारे में और उसका सॉल्यूशंस ढूंढा करते थे। और थ्रू आउट द नेशन एंड द वर्ल्ड द नीड टू हैव अ फ्रैंक डायलॉग अमॉन्ग कल्चर्स रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशन इज फेल्ट नाउ मोर देन एवर। When asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute to his father. अब कहते हैं इस तरीके से प्रॉब्लम को डिस्कस करके कम्युनिटी के उसको सॉल्यूशंस फाइंड करते थे, और वो कहते हैं थ्रू आउट द नेशन एंड द वर्ल्ड हमें एक फ्रैंकनेस चाहिए, एक हम के फ्रैंकली हम अपने कल्चर्स के बारे में, अपने रिलीजन और सिविलाइजेशन के बारे में बात करें और उसका सोल्यूशन ढूंढें, और इस वक्त में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें ये काम करना है। तो जब भी उनसे पूछा जाता था कि उन्हें जो ये रिस्पेक्ट, ये जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आया है उनमें, इतने सारे थॉट्स आए हैं, वो कहाँ से आए, तो वो हमेशा इसका श्रेय अपने फादर को दिया करते थे। वो उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी डिविनिटी दोनों को देखकर, साथ में जिस तरीके से उनके फादर में सिंप्लिसिटी और डिविनिटी था उस तरीके से वो भी उसे फॉलो कर रहे हैं। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life. Both believed that if one leads a spiritual life, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery or failure. जबकि उनके फादर एक बोटमैन रह चुके हैं, एक बोटमैन थे, और डॉक्टर कलाम हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इतना वास्ट डिफरेंस होने के बाद भी उनके पोस्ट में उन्होंने सेम वैल्यू शेयर किया है अपने लाइफ में, और वो दोनों यही बिलीव करते थे, उनके फादर भी और अब्दुल कलाम भी, कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ हम लीड करेंगे तो वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है, कंफ्यूजन और मिजरी और फेलियर से बाहर ला सकता है, हमें उठा सकता है, हमें फेथ होना चाहिए इस तरीके से। फिर आगे वो बताया और बताते हैं कि 1960 में डॉक्टर कलाम ने ज्वाइन किया था ISRO, इट वाज जस्ट अ फ्लेजलिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जस्ट स्टार्टअप हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस थे, कुछ सही से सेटअप नहीं हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का। बट हिज इंटरेक्शंस विद ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई एंड द रेवरेंड पीटर बर्नार्ड पेरेजा shaped his thoughts on religion. It was here that he learned about the true meaning of religious service. Then यहाँ पर इन्होंने बहुत great scientist professor विक्रम साराभाई और reverend Peter Burnett Pereira से मिले उन्होंने और साइंस और रिलीजन दोनों के बारे में और भी बहुत नज़दीक से उन्होंने जाना, उन्हें पढ़ा, और फिर उसके बाद true meaning उन्होंने जाना religious service का, कैसे किस तरीके से हम रिलीजियस भी सर्विस कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साराभाई एंड हिज टीम हैड सेलेक्टेड अ साइट इन तुम्बा केरला टू सेट अप द स्पेस रिसोर्स फैसिलिटी। इट वाज एन आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। उसी दौरान प्रोफेसर साराभाई ने एक साइट सेलेक्ट किया था तुम्बा एरिया में, जो केरला में है, जहाँ पर अपना स्पेस रिसर्च सेंटर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक
इक्वेटर, मतलब अमेरिका इक्वेटर के बहुत नजदीक था, वहां से उनका डिस्टेंस बहुत नजदीक हो रहा था इक्वेटर से, इसलिए वो वहां पर उस जगह को सेलेक्ट किया था उन्होंने. बट देर वॉज वन मेजर रोड ब्लॉक इन गेटिंग द पोजेशन ऑफ द साइट. वहां पर एक दिक्कत आ रही थी, एक प्रॉब्लम आ रहा था कि वो वहां पर एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड था जहाँ पे फिशरमैन उसके जरिए से अपना लाइफ चलाते थे, और वहां पर एक ओल्ड चर्च था जिसे जो सेंट मेरी मैगडलिन नाम था, और एक बिशप का हाउस था, वहां पर एक स्कूल था जो के चर्च चला रही थी, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेडिक्टेड दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रिलोकेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द साइट एंड डिस्ट्रॉय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर द सेक ऑफ स्पेस रिसर्च सेंटर. तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे. वहां पे एक लेक था, फिशिंग ग्राउंड था, वहां पर एक चर्च था, एक बिशप का हाउस था, एक स्कूल था. तो जब इतने सारे चीज बीच में आ रहे थे वो साइट को क्लीन करने और वहां पर ये सेटअप करने, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि ये इम्पॉसिबल है कि इतने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उनको कोई अच्छी जगह दिया जाए, और सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसे हटा डिस्ट्रॉय करके फिर वहां पर एक स्पेस सेंटर बने, ये सही नहीं है, ये इम्पॉसिबल लग रहा था उन्हें कि ये सेटअप नहीं हो सकता है. बट अपॉन डॉक्टर साराभाई's persistence, इट वॉज सजेस्टेड दैट दे अप्रोच द ओनली पर्सन हु कुड हेल्प देम इन दिस सिचुएशन, फादर फेरेरा, द देन बिशप ऑफ द रीजन. डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम अप्रोच फादर फेरेरा ऑन सैटरडे इवनिंग. तो फिर यहाँ पर साराभाई ए डॉक्टर साराभाई जो थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया. उन्हें लगा कि हमें इस प्रॉब्लम से हेल्प एक ही इंसान कर सकता है, और वो है फादर फेरेरा जो वहाँ के रीजन के हेड थे, बिशप थे. तो वहाँ पर फिर वहाँ से उन्होंने डॉक्टर कलाम और डॉक्टर साराभाई मिलकर फादर फेरेरा से मिलने गए सैटरडे को. देन डॉक्टर रेवरेंड सेड, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग फॉर मी, फॉर माई चिल्ड्रंस अबॉर्ड, फॉर माई अबॉर्ड एंड फॉर गॉड्स अबॉर्ड. How is it possible? Father Pereira then invited the party to visit the church on Sunday morning. जब इन्होंने ये बात रखी फादर के आगे तो उन्होंने कहा, ओ विक्रम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारे रहने की जगह है ये हमारी जगह, हमारे बच्चों की जगह, हमारा गॉड का जगह है, कैसे पॉसिबल है कि हम ये छोड़कर यहाँ से जाए? तभी फिर फादर परेरा ने उन्हें इनवाइट किया नेक्स्ट संडे मॉर्निंग को चर्च में. तो डॉक्टर साराभाई एंड हिज टीम, फॉरएवर इंक्विजिटिव डिसाइपल डॉक्टर कलाम, टुक अप द ऑफर. उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, और नेक्स्ट संडे उन्होंने चर्च में प्रेजेंट रहे सभी सभी पूरी टीम. तो देन द रेवरेंड इनवाइटेड डॉक्टर साराभाई अप टू द डायस आफ्टर द प्रेयर सर्विस. टर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट ही सेड, डियर चिल्ड्रन, हियर इज अ साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई. फिर वहां से डॉक्टर साराभाई को इनवाइट किया रेवरेंड ने स्टेज पे, और उन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया बच्चों से, बच्चों को कहा कि ये एक साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई है. और फिर डॉक्टर साराभाई ने अपना डायस दिया और उन्होंने कुछ सवाल और अपनी बात रखी वहां पर. तो वो यूँ स्टार्ट करते हैं, व्हाट डज साइंस डू फॉर अस? We benefit from the devices that science has developed to light up our homes. I'm able to talk to you using this mic. Thanks to the technological advancement, medical science allows doctors to diagnose and treat patients. Science and technology enhance the overall comfort and quality of human life. And what do I do as a preacher? I pray for you, for your well-being and for your peace. In short, Vikram and I are doing the same job, but science and spirituality seek the Almighty's blessings for the prosperity of human mind and body. फिर वो प्रीस्ट कंटिन्यू करते हैं कि हमें साइंस क्या करता है, साइंस हमें क्या क्या बेनिफिट देता है. हमें समय डिवाइसेस बना कर देते हैं, डेवलपमेंट होता है, आज हम अपने लाइट्स चला सकते हैं अपने घर में, हम माइक में खड़े रहकर बात करें, सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से. हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए इस एडवाइस को. मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हुई है, इतना डेवलप हुआ है, डॉक्टर्स हमें डायग्नोस करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उस डायग्नोसिस के बेसिस पर, और फिर सारा कम्फर्ट जो ह्यूमन लाइफ में आ रहा है ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजह से ही है. और मैं क्या करता हूँ एज अ प्रीचर? मैं आपको रिलीजन बताता हूँ, रिलीजन के बारे में बताता हूँ, आपके लिए प्रे करता हूँ, आपके अच्छे के लिए, आपके पीस के लिए प्रे करता हूँ. इन शॉर्ट, मैं और विक्रम, डॉक्टर विक्रम, हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, वो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. दोनों को ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ सके और ह्यूमन माइंड एंड बॉडी को अच्छा सा सक्सेस मिल सके, पीस मिल सके. इस तरीके से उन्होंने स्पीच दिया.
फिर वो कहते हैं डियर चिल्ड्रेन, डॉक्टर विक्रम सेज दैट विद इन अ ईयर ही वांट्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फैसिलिटीज नियर द सी कोस्ट रिप्लेसिंग ऑल द सेटलमेंट्स दैट नाउ स्टैंड देयर. नाउ कैन यू गिव अप योर अबॉट? कैन आई गिव अप माय अबॉट? कैन वी गिव अप गॉड्स अबॉट फॉर अ सच ग्रेट साइंटिफिक मिशन? डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड हाउ ही विटनेस्ड अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट. Then everyone got up, and the whole church reverberated with the deafening noise of collective amen. And so, work on the research center was soon underway, but not without alternative accommodation being offered to the affected fishermen, the church, and the Reverend Pereira. ये लोग कहते हैं डॉक्टर ये डॉक्टर सारा ये जो प्रीस्ट थे उन्होंने डियर चिल्ड्रन तो कह के उन्हें एड्रेस करके उन्हें कहा कि डॉक्टर विक्रम हमें एक साल के अंदर यहाँ पर एक साइंटिफिक फैसिलिटीज बनाना चाहते हैं, एक सेंटर बनाना चाहते हैं और हमें रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप बताओ क्या आप अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू गिव अप योर अबॉट? क्या मैं अबॉट कर सकता हूँ? क्या मैं ये घर गॉड का जो घर है ये छोड़ सकता हूँ जहाँ पर हम रहते हैं? इस साइंटिफिक मिशन जो एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक मिशन चला रहे हैं लोग, तो डॉक्टर कलाम याद करते हैं कि वहाँ पे कितना पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था एक काफी लंबे समय तक के लिए. फिर एक साथ सब ने खड़े होकर सारे चर्च को पूरे एक 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 जुट साउंड से कहा आमीन, ताकि उन्होंने एग्री कर लिया है वहां से हटने के लिए ताकि वो साइंस का सेंटर बन सके और भी डेवलपमेंट हो सके. एंड सो द वर्क रिसर्च सेंटर वॉज सोन अंडर वे और फिर वहां पर साइंस सेंटर बनना स्टार्ट हो गया. बट सबको अपना अपना ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दिया गया, किसी को कुछ छूटा नहीं, फिशरमैन को भी, चर्च को भी और रेवरेंड पेरेरा को भी ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देकर ही वहां पर एक साइंस सेंटर सेटअप किया गया. तो स्टूडेंट्स ये हमें सीखने को मिलता है इस पार्ट वन और पार्ट टू में. और ये सब थॉट्स थे और इस तरीके से कितनी मोटिवेशनली और कितने अच्छे से उन्होंने चिल्ड्रन को और सबको एक्सेप्ट किया और दोनों को नजर रखते हुए, दोनों को देखते हुए फेथ एंड फोकस वो अपने काम में आगे बढ़ते थे. आई होप सो आपको ये पार्ट वन एंड पार्ट टू समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करिए. थैंक यू.